नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अब उन सभी को गिरफ्तार करने का समय आ गया है जिन्होंने पंजाब में भी ये घोटाला कर पंजाब का खजाना लूटा था। बता दें कि पंजाब की शराब उत्पादन शुल्क नीति उन्हीं व्यक्तियों और समान लाभार्थियों द्वारा दिल्ली नीति की तर्ज पर बनाई गई थी, क्योंकि केजरीवाल के मामले में जमानत नहीं मिली है, इसलिए ये स्पष्ट है कि पंजाब में भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला बन गया है। जो लोग अपने जेड़े लोग अपने आप नु कट्टर ईमानदार कहंदे सीगे, उन्हां दी ईमानदारी तो देखन नु मिल गई है कि आज अदालतां भी उन्हां नु बेल नहीं दे रही ने, इन्ने इन्ने महीने सालां तो जेल च इस करके बंद है क्योंकि अदालत नु तो कुछ दिख रहा, ताई ते उन्हां दी बेल रिजेक्ट हो रही है ना। केजरीवाल साहब नू 9 बारी बुलाया एजेंसी ने, जिन्हें कट्टर ईमानदार सी कुछ लुकाउन वास्ते नहीं सी जाके जवाब देंदे, ते हुन भजदे क्यों फिरदे सीगे, आज फड़े गए ने, हुन जवाब तो देना ही पौगा। मैं तो सिर्फ इना कहनी हां कि आई शराब दा घोटाला जिहड़ा दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहली कैबिनेट मीटिंग आज बुलाई गई। बता दें कि यह मीटिंग 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई, साथ ही इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल हुए। हालांकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसी कारण से इस मीटिंग में सिर्फ मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ ही चर्चा की, साथ ही इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई। खबर जगराव से है, जहां आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला पर श्रद्धालुओं से भरी जा रही ट्रॉली के नीचे आने से एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, साथ ही मृतक की पहचान 10 साल पालक निवासी के रूप में हुई है। तो वहीं घायल हुई बच्ची की पहचान अक्षदीप कौर निवासी के रूप में हुई है, जिसको लोगों ने सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो साथ ही बच्ची की हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे लुधियाना के लिए रेफर कर दिया। हरियाणा के नए परिवहन मंत्री बनते ही असीम गोयल अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने के लिए आज अपने ही अंदाज में अंबाला शहर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। बता दें कि दरअसल देर शाम ही नायब सरकार में मंत्रियों को विभाग का आवंटित हुआ था, जिसमें असीम गोयल को परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। आज कैबिनेट की पहली मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और आज जहां तक है विभाग की जिम्मेवारी भी संभालूंगा। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मुझे परिवहन विभाग और महिला बाल विकास मंत्रालय का जो है जिम्मा मिला है। मुझे लगता है कि दोनों पब्लिक से जुड़े सीधे सीधे डिपार्टमेंट हैं। परिवहन विभाग में आज मैं पहले दिन ही अपना तजर्बा बढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ों को जमीनी हकीकत देखने के लिए खुद सफ़र कर रहा हूं अंबाला से चंडीगढ़। और मैं मानता हूं कि जिस काम की मुझे जिम्मेवारी मिली, अगर उस काम में पहले दिन से ही आप झुक जाओगे, समय कम है। और मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा रिव्यू, हमारे चालक साहब हैं राजेश जी, परिचालक हैं विनय जी, सब बढ़िया, इनसे फीडबैक मिला। रुताज जी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं और एक सज्जन और, तो सबसे मैंने पूछा भी क्या कमियां बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी कमी नहीं। समय पे रहने की बात आई कि हरियाणा जो परिवहन का जो बसें हैं बड़े समय पे रहती हैं। खबर मुख्तार साहिब से है, जहां गांव वारिंग के निवासियों ने श्री मुख्तार साहिब के मुख्य मार्ग पर जमकर चक्का जाम किया। बता दें कि गांव वरिंग के बस स्टैंड पर बस न रुकने के मामले में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। मुक्तसर साहब रिपोर्ट डिप्टी जी भी दे के आए, दरखास्त डी एम साहब नूं मुक्तसर भी दी आ, ये रोडवे वाले बहुत खराब करते हैं। एक सवारी सी लाई नहीं, अगों ये जाम ला के खड़ गए, समा बसा ने रोक लिया इन्होंने 3-4, ये बसा खराब कर दे आप जी आप। अज मसला की होया, बंदा चंगा नहीं, कोई बोलते अभी कुछ नहीं, ये खराब कर दे हूँ। अभी डी एम साहब ने दरखास्तां दित्तियां साड़ियां, मुख्यमंत्री ने दरखास्त दी है। अज मंग की करते हूँ, मंग ये आप अट्टा साडा ये सवारी जी चढ़ा ये तार के जान इतों चक के लिया सू खराब करते हैं। जो कोई लेडीज सवारी है तो उतार देखिए, वो अभी कह भी रोको, वो ड्राइवर पिछले हो गया
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਬਸ ਬੈਠੀ ਤੋੜਦਾ ਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡਵੇਜ ਵਾਲੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। बात करेंगे अगली खबर की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान जारी है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले सीएम ने शहीद दिवस के मौके पर दिल्ली के शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि हर उम्मीदवार केजरीवाल है, हर स्वयंसेवक केजरीवाल है, देश में लाखों केजरीवाल है। भाजपा केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करेगी? केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है। सीएम मान ने कहा कि आज शहीदों की आत्मा को पीड़ा हो रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहबाद मारकंडा पुल के ऊपर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि ट्राले ने स्कूटी चालक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं स्कूटी सवार महिला को ट्राले ने कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लाई नाम की एक फीमेल लेडीज हमारे पास सुबह आई है, करीब 9:15 बजे, तो ब्राउन डेड घोषित कर दी गई है। उसकी बॉडी टोटली क्रश थी, को टायर वगैरह पास हुए हैं उससे, तो एक्सीडेंट केस है। ये हमारे शाहबाद जो मेन ब्रिज है ना, वहाँ के ऊपर कोई बाइक पे जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ, तो उनका एक्सीडेंट ट्रक के साथ हुआ। तो अभी हमने उनको जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर दी। जी जी बिल्कुल सर, एक सूचना प्राप्त हो गई थी कि मारकंडे के पुल के ऊपर अंबाड़ा साइड में एक व्यक्ति और एक महिला का एक्सीडेंट हो गया है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी पे आदेश हॉस्पिटल जा रहे थे। कोई रिश्तेदार वगैरह बीमार था, उन्हें देखने के लिए जा रहे थे, जो अचानक से कोई व्हीकल वगैरह ने उनको हिट किया है, जो मौके पे महिला की मौत हो गई है और व्यक्ति को भी चोट आई है। जिस व्यक्ति अभी फिलहाल ठीक है, जिसने अपनी घरवाली का नाम राज दुलारी बताया है, जिसकी उम्र 66 साल है। जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी वो कार्रवाई अमल में, पोस्टमार्टम के लिए सबको LNJP अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। तो खबर मानसा से है, जहां छोटे सिद्धू के हवेली में आने से पहले हवेली के बाहर परिवार के वासियों ने हवेली के बाहर नीम बांध दिया। बता दें कि उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनको छोटे सिद्धू के आने की खुशी है और उन्होंने हवेली के बाहर सिद्धू को भी याद करते हुए नीम बांध दिया। खुशी है पंजाबी सभ्याचार मुताबक, जिवें साडे पंजाबी कल्चर दे मुताबक जदों साडे खुशी होंदी है घरे असीं निम बन्नदे आ, उसे तरह ही अज असीं नवें घरे वी बन्ने आ, समाज ते बन्ने आ, ते इत्थे पुराने घरे वी निम बन्न के रस्म पूरी कीती है, ते असीं बहुत खुश हां। साडियां मामा भैणां ने गीत गा के खुशी मनाई असीं। अच्छा पाली वापसी वास्ते बड़े जिहड़े गीत वी गाए आ, लड्डू वी बंडते, सिद्धू दी वापसी होई है, धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने खुशियां वापस लेके आंदियां पुराने घर हवेली दे विच। बहुत परमात्मा का शुक्रगुजार हैं, सारे देशवासियों नूं मुबारकबाद दिंदे इस दिन दी। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब के संगरूर जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि ADGP गुरिंदर डिल्लो ने जानकारी देते हुए बताया कि जहरीली शराब का शिकार 40 लोग अब तक अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 11 मरीजों को राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला रेफर कर दिया गया है। साथ ही 11 लोगों को राजेंद्रा हॉस्पिटल और 6 लोगों को संगरूर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार तो लगातार साढ़े को जो मरीज आ रहे हैं उन्होंने गिनती है जी 40 तक पहुँच चुकी है जी। 40 मरीजों के जो 20 मरीज ने उन्हों की मौत हो चुकी है जी, जो कि साढ़े रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के दर्ज है। जिड़े बाकी पेशेंट थे उन्होंने असी 11 मरीज़ को राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला रैफर कर चुके हैं,
जिन्हों की जी हालत है अजी स्टेबल है जी। तो 6 मरीज ने जोड़े वो जिला हस्पताल संगरूर एक दाखिल हैं। बाकी 3 बचे जो मरीज ने गे वह बिना इलाज करवाए डॉक्टर की सलाह तो बिना हस्पताल छड़ के चली गई है जी, जिन्हों की भाल जारी है। टोटल गिनती मरीजों की कितनी हुई है जो मर चुके? टोटल गिनती है जी वह 20 तक पहुँच चुकी है जी। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर पटियाला से है जहां फोर्ट पैलेस के बाहर एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई। बता दें कि जिसमें एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा था तभी सरकारी बस उसके ऊपर चढ़ गई। हालांकि घायल व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बता दें कि मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਲਵੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। 108 ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 100 ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 112 ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਸਾਡਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਟੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ। ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ, ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਾਈ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬਾਈ ਅਨਭਵ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟੂਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਸਾਧਨ। ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਮੇਂ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ADG गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने का कहना है कि लगभग 23 लोगों ने इसका सेवन किया था और इन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब इस मामले में 3 FIR दर्ज की गई हैं। इन FIR में शिकायतकर्ता वे हैं जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। तो आपको बता दें कि कुल चिन्हित आरोपियों की संख्या 10 है और इन आरोपियों में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर अमृतसर से है जहां अजनाले के पास अपने ससुराल वालों से मिलने जा रहे एक व्यक्ति की रास्ते में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। ये मेरा भाई उठे व्याया, ये 100 वाले मंडे से व्याया। की नाम है? अमरजीत सिंह। हां जी। ये गया ने मिलने गए ने। कितना देर हो गया? ये 16 साल हो गए। मत्था टेक के गां च जान लगे ने, अगो बंदे पै ने उन्हां दी मौत कर दी। सानू डेड बॉडी उथों मिली कंक दे विचों, सानू दस्या नंबर प्लेट, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਣ ਬਲ ਲਵੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਡ ਪਿੰਡਾ ਘੜੀ। ਪਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੈਣਪੁਰ ਦੀ ਬੋਲ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਦੇਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ 9-9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਨ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, FIR ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ।
बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर कुरुक्षेत्र से है जहां पंजाब सीमा से सटा यूटूकर बॉर्डर का रास्ता 42 दिन के बाद खोल दिया गया। बता दें कि जहां दोपहर करीबन 1 बजे जेसीबी ने बॉर्डर पर बनाई गई क्रिकेट को हटाना शुरू किया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई शाम करीबन 7 बजे तक चली। हालांकि प्रशासन की ओर से बॉर्डर को पूरा नहीं खोला गया है, सिर्फ एक तरफ के वाहनों के लिए ही रास्ता खोल दिया गया है। खबर कुरुक्षेत्र से है जहां पुलिस अधीक्षक ने होली के पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अधिक सतर्क रहते हुए रंगों व खुशियों के पर्व होली को सुरक्षित एवं इको फ्रेंडली तरीके से मनाने का भी आग्रह किया। क्षेत्र पुलिस की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि ये जो रंगों का त्यौहार है और भाईचारे का त्यौहार है, आपसी मेल मिलाप का त्यौहार है, इसे जो है भाईचारे के त्यौहार को ढंग से मनाएं। पुलिस की ओर से पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और मेरी आपके माध्यम से अपील है कि कोई भी इस त्यौहार को हुड़दंगबाजी करके या कोई शरारत करके इसको त्यौहार को ख़राब ना करें। कोई भी यदि हुड़दंगबाजी करेगा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर सिरसा से है जहां सिरसा में मेजर नहर में डेरा सच्चा सौदा को पाइपलाइन देने के विरोध में करीबन 80 दिनों से धरनारत दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने धरना स्थल पर ही शहीद दिवस मनाया। बता दें कि सर्वप्रथम सभी ने शहीदों की प्रतिमा पर माला अर्पण की। इस अवसर पर कई गाँव के सरपंच भी मौजूद रहे। हमारा 80 दिन से मोर्चा चल रहा है, इसका मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूं। हमारी एक ही मांग है कि जो नाजायज़ मुर्गा लगाया गया है प्रशासन की तरफ से धक्काशाही करके राजनीतिक दबाव में आकर, उस मुर्गे को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अन्यथा आज हम 80 दिन से हैं, जैसे हमारे दिलीप भाई ने कहा था कि 800 दिन भी हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम बिल्कुल बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, मरण व्रत तक काम रखेंगे। आज हमारा जो धरना 80 दिन से चल रहा है, उस सरपंच ताकत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो 80 दिन पूरे हो चुके हैं और उसको देखते हमने आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। इस रोष प्रदर्शन के बीच में रख के हमारी जो शहीदों की याद करते, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि इस गूंगी भरी सरकार के खिलाफ लड़ने का, जो हमें उन्होंने शिक्षा दी है, उसके ऊपर चलते हैं। और आगे का हमारा अगर कार्यक्रम जो हम आपको बताना देना चाहते हैं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आज ये जो हम शहीदी दिवस मना रहे हैं उसके सामने हम शपथ लेते हैं, पूरी के पूरी हमारी जो कमेटी है, कि हम आगे का जो कार्यक्रम जो है, जो जितने भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतागण हैं, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ उनको हम घुसने नहीं देंगे। बात करेंगे अगली खबर की, तो हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज सीएम नायाब सिंह सैनी ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया। बता दें कि सैनी ने गृह मंत्रालय सहित 13 विभाग अपने पास रखे, तो वहीं कंवरपाल गुर्जर को 6 विभाग, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और कमल गुप्ता को चार चार विभाग, डॉक्टर बनवीर लाल को 3, रणजीत चौटाला को 2 विभाग दिए गए। साथ ही सुबह सुधा को शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी दी गई। एक एक दिन में किस प्रकार से मुझे कार्य करना पड़ेगा ये अपने आप देखने की बात है। बहुत समय से मुझे रुकनपुड़ी का कार्य करने में बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं मेयर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी मेयर रही है, लगातार हम इसमें कार्य कर रहे हैं। छोटे छोटे काम को हम जानते हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य को आगे बढ़ाया जाए। पूछो जी, और क्या प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि एक दिन में मैं दावे से कहता हूँ, आपको मेरा काम नजर आएगा। मैं आप दावे से कहता हूँ किस प्रकार से मुझे पता है कि मैंने यहाँ गीता जयंती का अवसर किस प्रकार से दिखा जाता है, सफाई वस्त्र के ऊपर मैं दावा करता हूँ, एक मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो स्वच्छ अपना होगा। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत के लेकर हम हरियाणा में पूरी हर जो हमारा सिटी होगा उसको साफ करने की व्यवस्था करेंगे। बहुत सी चीज़ें
मैं कहूँगा पोल्ट्री आई डी जो हमारा है उसको थोड़ा सा और सुधारने का कार्य है। इसी के अनुरोध करा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। बहुत से कार्य है जो करने वाले हैं। पहले ये मेरे से पहले जो हमारे मंत्री रहे आदरणीय कमल गुप्ता जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, उससे पहले हमारी बहन पिता जैन जी की 9.5 वर्ष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में बहुत कार्य हुआ। बात करेंगे अगली खबर की लोकसभा 2024 को लेकर, जहां देश भर की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए सिरसा जिला प्रशासन भी खूब पसीने बहा रही है। बता दें कि सिरसा जिला प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग हर रोज हो रही है, साथ ही सिरसा के DC और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर RK सिंह सभी अधिकारियों को चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। संगठित समाज में प्रजातंत्र जैसी व्यवस्था मानव सभ्यता में विशेष स्थान रखती है, जिसको सुदृढ़ करने के लिए चुनाव एवं चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव हरियाणा प्रांत में आने वाली 25 मई 2024 को होने जा रहा है, इसलिए भारतवर्ष के गणतंत्र एवं मनतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए मैं RK सिंह उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिरसा आप सभी से अपील करता हूं कि आने वाले 25 मई 2024 को बढ़ चढ़ कर मतदान करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि सभी लोग 100% मतदान करें। आओ हम सब मिलके भारतवर्ष के लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने के लिए संकल्प लें। आज जिला सिरसा के अनेक अधिकारियों की बैठक में स्वीप से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने स्तर पर लोगों को ये बताएंगे कि आने वाले 25 मई को हम घर से बाहर निकल कर मतदान करें। उसके लिए हमने अनेक सेल्फी पॉइंट बनाने का प्रयोजन रखा हुआ है। जितने भी वाहन चलेंगे, जो विशेषकर जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स के अंदर, उन सभी पे स्टिकर लगाया जाएगा, उन सभी पे हम पेन ड्राइव के थ्रू गानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की कुरुक्षेत्र में 17 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए संदीप गर्ग के शाहबाद स्थित घर और फैक्ट्री पर ईडी की रेड चल रही थी। बता दें कि ईडी की टीम गुरुवार दोपहर को संदीप गर्ग के घर पर पहुंची और सर्च शुरू की, जो कि शुक्रवार दोपहर तक भी चलती रही। इस दौरान संदीप गर्ग के घर पर 2 दिन चली ईडी की रेड, लेकिन साफ सुथरी छवि के साथ बाहर निकले संदीप गर्ग। साथ ही संदीप गर्ग ने कहा कि ईडी की रेड में उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और सभी सरकारी प्रक्रियाओं में उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण दिया। संदीप गर्ग जी एक समाज सेवा का कार्य करते हैं, जैसा कि मेरे वार्ड में ही इनकी एक रसोई बनी हुई है जहां पे बहुत लोग खाना खाते हैं, गरीब लोगों को भरपेट खाना मिलता है। ये एक बड़ा सराहनीय कार्य है जो शायद कभी किसी और ने नहीं सोचा। ये इनकी पहली पहल है जो छह शहरों में इनका ये खाना चल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनका इलाज कराना, गरीब लोगों को खाना खिलाना, हर जगह मदद करना। जैसे कि हम शाहबाद के अंदर बाढ़ आई थी तो वार्ड नंबर 10 जो लैंडमार्क के पास है, इसमें काफ़ी प्रकोप रहा है, जिसमें काफ़ी प्रकोप रहा है बाढ़ का, तो इन्होंने उसमें मैंने इनसे बात की कि मुझे बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन सामग्री का वितरण करना है। बात करेंगे अगली खबर की तो खबर नूह से है, जहां एक और विवाहित दहेज की बलि चढ़ गई। आपको बता दें कि गांव बदरपुर निवासी मुबारक ने अपनी बहन आयशा की शादी 2 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार नूह जिले के ताबुड़ उपमंडल के गांव बुरका में की थी, लेकिन मृतक के भाई मुबारक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आयशा को दहेज के लिए ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा था, उसे बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। फिलहाल के लिए हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।